एक लाख सभी घर की महिलाओं का ये मालूम है कि नहीं। अब जिसकी दो पत्ते तो दो लोग जाएगा उसपे। पत्नियों वालों को डबल पैसा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अब चौथे चरण के लिए प्रत्याशी और पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। आपको बता दें कि चौथे और आखिरी चरण में मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल की कुल 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें एक सीट रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट भी है। रतलाम झाबुआ सीट पर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया का मुकाबला बीजेपी की अनीता नागर चौहान से होने जा रहा है। लेकिन अब इस चुनाव में प्रचार में जुटी कांग्रेस और उसके प्रत्याशी की तरफ से अपने घोषणा पत्र को लेकर, महिलाओं को लेकर जो घोषणा पत्र में चीज़ें कही गई है, इसको लेकर जो बयान सामने आया है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जाहिर है कि बीजेपी इस मुद्दे को लपकने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ने वाली इस बयान के सामने आने के बाद। दरअसल रतलाम में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया, जिन्होंने प्रचार के दौरान ये ऐलान कर दिया कि हर महिला के खाते में कांग्रेस की सरकार आने पर 1,00,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र में है भी, गरीब महिलाओं के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि जिनकी 2 बीवियां हैं उन्हें 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। हैरानी इस बात की भी रही कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो हैं उन्होंने भी भूरिया के बयान का समर्थन करते हुए ये कहा कि आपके जो भावी सांसद हैं इन्होंने अभी बहुत भयंकर घोषणा कर दी है, जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको डबल, तो वो भी यही कहते हुए नजर आए। वैसे आपको ये बता दें कि महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए देने की बात, जो न्याय की बात जो कांग्रेस कर रही है, महिला न्याय की बात, उसके तहत कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में प्रति साल 1,00,000 रुपए प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प है। गरीबों की पहचान आय पिरामिड में सबसे नीचे के परिवारों में की जाएगी। ये राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होगी। महिला के अनुपस्थित रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये योजना चरणों में शुरू होगी और गरीब उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल इसकी समीक्षा भी की जाएगी। वैसे कांतिलाल भूरिया प्रचार के लिए जब जा रहे हैं तो वो बार बार ये भी बता रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है और इतने वोटों से उनको जिताया जाए कि इतिहास बन जाए और इस रिकॉर्ड को कभी कोई तोड़ ना पाए। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ से जो ये हालिया बयान सामने आया है ये कहीं ना कहीं विवाद को जरूर जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। एक लाख सभी घर की महिलाओं का मालूम है कि नहीं। अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लोग जाएगा उसपे।